तो अब आप चाहते क्या? हम चाहते हैं कि जमीन पूरी छूट जाए। हम लोग को रहने का जमीन नहीं है, कोई हिस्सा रहने का जगह नहीं है। कहाँ से खाएं, कहाँ से जिए? उनको पास 50 बीघे जमीन है, हमारे पास एक बीस नहीं है, तो हम कैसे जिए? अब सरकारी जमीन हम गरीबों के लिए होती है कि अमीरों के लिए होती है? भाई हम 10 रुपया कमाते हैं, अपने बच्चे पेट बच्चा दिया है कि हम लड़ाई करें और ज़बरदस्ती गाड़ी देंगे तो कितना हम लोग गरीब मनी बर्दाश्त कर सकते हैं? या फिर जान दे दे अपने से फांसी लगा के मर जाएं। इस झगड़े की जमीन काफी पहले तैयार हो गई थी। 4 दिन से तनाव और खेमेबंदी चल रही थी, लेकिन प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। लोगों का मानना है कि समय रहते अगर प्रशासन चेता होता तो शायद यह स्थिति न होती। आप लोगों से कैसी मदद चाहते हैं जो आपकी बात? मदद ये चाहते हैं साहब कि चाहो जिस तरह से छूट जाए, गरीबों के हित में आ जाए, मिल जाए दो दो बीसा चार चार बीघा, तो उसे जिए खाएं, कम से कम धरती पर जिए। आपको क्या पुलिस पे भरोसा है वो आपकी मदद करेगी? पुलिस के ऊपर तो भरोसा तो उसी दिन रूठ गया था जब एक कहा थी 1 अप्रैल को जब गोली चली थी तो पुलिस ने खुद यहाँ आकर के पैसा घुसखोरी किया था, पैसा अपने टोपी में रख के भागा था, अभी एसओ जो था, तो उसके ऊपर तो हम पुलिस के ऊपर कोई उम्मीद नहीं है। तो फिर ये आप अपना इन समस्या का कैसे निवारण करें? हाई कोर्ट जाना चाहते हैं, हाई कोर्ट से शायद है कुछ हमारा निदान हो सके। जैसा कि गांव वालों की मांग है, तालाब की माप कराई जाए और उसकी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिन लोगों ने कब्जा कर रखा तालाब की जमीन को, उससे उनको मुक्त कराया जाए और तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अजीत बहादुर, इंडियन हर्ड के लिए इलाहाबाद से।